गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्वागत करता हूं आप सब लोगों का आज की क्लास में जो जो लोग क्लास में इस समय हैं मौजूद वो अपनी अपनी अटेंडेंस दे दें सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपनी अपनी अटेंडेंस दे दें जैसा कि जानते हैं कि कल हम लोगों ने कलेक्टिव रेफरेंसेस स्टार्ट किए थे और कलेक्टिव रेफरेंसेस में हम लोगों ने तीन पार्ट में मैंने कहा था इसे मैं डिवाइड कर रहा हूं आंचल गुड इवनिंग और बाकी सब लोग अपनी अटेंडेंस दे दें हु इज प्रेजेंट इन दिस क्लास गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट कुछ तो बोल दीजिए कल की क्लास में लोग कह रहे सर आप दिखाई नहीं पड़ रहे मैंने कहा लाओ आज दिखाई देता हूं बाकी लोग जो क्लास अटेंड कर रहे हैं सूर्या सिंह वेलकम है आपका आज की क्लास में आज की क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम है सूर्य सिंह मतलब की सृष्टि गुड इवनिंग अमन त्रिपाठी जी गुड इवनिंग कैसे हैं बढ़िया आज आपका एडमिशन हो गया है आज आपने एडमिशन ले लिया है पैकेज ले लिया है पूरा पैकेज आपने सेवन मंथ का ले लिया धीरज गुप्ता जी गुड इवनिंग धीरज सर आप भी पैकेज परचेज कर लीजिए रेगुलर क्लास के लिए क्योंकि मंडे से बस इसी वीक तक ये भी चल रहा है डेमो हमारा ख़त्म हो रहा है और उसके बाद फिर वीडियो नहीं देख पाएंगे फिर जो सब्सक्रिप्शन लिए होंगे उन्हीं लोगों को लाइव क्लास अटेंड हो पाएगी और पास लाइव क्लास में भी वही लोग देख पाएंगे जिन्होंने एडमिशन कराया है चलिए सब लोग आ जाएं थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं देखिए ये है कलेक्टिव रेफरेंसेस कलेक्टिव रेफरेंसेस में मैंने कहा था ये साफ कर देता हूं देखिए एकदम साफ सुथरा हो गया है ये मैंने आपको बता दिए थे कलेक्टिव रेफरेंस टू किसका पीपल का पीपल वाला हो गया था कल कंप्लीट हो गया था ए नंबर पार्ट तीन पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है जैसा कि मैंने बताया था आपको पार्ट ए में पीपल का है पार्ट बी में बर्ड्स और एनिमल्स का है और पार्ट सी में जो हम लोग देखेंगे वो किसका होगा पार्ट सी में जो हम लोग देखेंगे वो होगा थिंग्स का तो यहाँ पे आर्मी ऑफ सोल्जर्स आपने किया बटालियन या रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स बेंच ऑफ जजेस बेबी ऑफ गर्ल्स या वुमेन बैच ऑफ बॉयज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैरवेन ऑफ मर्चेंट्स पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स क्लास सब में बता चुका था फिर उसके बाद हम लोगों का ए नंबर खत्म होने के बाद बी पार्ट में हम लोग पहुंच चुके थे किस में पहुंच चुके थे बी पार्ट में पहुंच चुके थे बी वाला कलेक्टिव रेफरेंस टू किसका कलेक्टिव रेफरेंस टू किसका बर्ड्स एंड एनिमल्स तो बर्ड्स और एनिमल्स का कलेक्टिव रेफरेंस हम लोग देख रहे थे आस्था तिवारी जी वेलकम है आपका भी कम से कम भाई क्लास में आए तो टीचर का थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा सम्मान कर लीजिए गुड इवनिंग बोल लिया करिए है ना एक अभिवादन एक ग्रीटिंग दे दिया करिए मेरा भी मन प्रसन्न हो जाए मैं भी खुश हो जाऊं कि सब लोग आए हैं और हाँ गुड इवनिंग हाँ आ गया आपका गुड इवनिंग सबरीन गुड इवनिंग नितिन वर्मा जी गुड इवनिंग सब लोग आते हैं तो एक अनाउंसमेंट कर दूं ताकि वो सिस्टम ता, सभी लोगों को पता चल जाए कैसे क्या करना है ऐप में क्या चेंज हल्का सा हुआ है ठीक है ना तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएं तो देखिएगा यहाँ पे मैं बात कर रहा था बर्ड्स और एनिमल्स को लेकर के किसकी बात कर रहा था बर्ड्स और एनिमल्स को लेकर के तो बर्ड्स और एनिमल्स में मैंने अभी तक जो आपको बताया है बर्ड्स और एनिमल्स में मैंने अभी तक जो आपको बताया है वो लीप ऑफ लेपर्ड तक पढ़ा चुका हूँ लीप ऑफ लेपर्ड तक हो चुका है ठीक है थोड़ी थोड़ा सा मैं इसको जो है जूम कर दूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए एक बार रिवीजन कर लेते हैं ये रिवीजन कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो चलिए पहले साफ़ सुथरा था ही लेकिन फिलहाल एक और साफ सुथरा कर देते हैं ये लीजिए एकदम क्लीन कर दिया है तो ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से जब तक सब लोग अटेंड करें क्लास हाँ आपने बोला बिल्कुल जय हिंद नितिन जी वॉच ऑफ नाइट एंगल्स मैंने क्या कहा था नाइट एंगल यानी बुलबुल बुलबुल -बुल का समूह क्या कहलाता है बुलबुल -बुल का समूह कहलाता है वॉच वॉच ऑफ नाइट एंगल्स म्यूल जो होते हैं म्यूल माने मैंने कहा था खच्चर होते हैं खच्चरों का समूह बैरन चिकन क्या होता है चिकन माने चूजे होते हैं चूजों का समूह जो होता है वो ब्रूड कहलाता है ब्रूड ऑफ चिकन्स ठीक है ना ब्रूड ऑफ चिकन्स कहलाता है क्या कहलाता है ब्रूड ऑफ चिकन्स कहलाता है फिर मैंने कहा था फ़िश का देख लो बहुत इंपॉर्टेंट है तो फ़िश के लिए मैंने कहा था शोल भी होता है कैच भी होता है स्कूल भी होता है तो शोल बोलो कैच बोलो स्कूल बोलो सब कुछ एक ही है ठीक है और उसके बाद मैंने कहा आपको ग्रास उपर को हम लोग लॉक्स्ट लोकस्ट भी बोलते हैं तो लोकस्ट का मतलब हो गया ग्रास उपर है टिड्डा टिड्डा का समूह जो होता है वो प्लेग होता है अगर प्लेग ऑप्शन में ना हो तो क्लाउड भी चला सकते हो ये मैं कल पढ़ा चुका हूँ इसलिए जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूँ ठीक है और बिल्लियों का समूह मैंने बताया था जहाँ बिल्लियों का झुंड हो उसे क्लस्टर कहते हैं क्लस्टर कहते हैं और मैंने कहा था बाज यानी गरुण बाज यानी गरुण कल किसी ने बोला था गरुण नाम भी होता है ईगल तो ईगल का समूह जो होता है कॉन्वोकेशन होता है कॉन्वोकेशन होता है कॉन्वोकेशन ऑफ ईगल राइनो माने होता है गेंडा और गेंडे के पैर के नीचे अगर कोई आ जाए तो वो क्या हो जाएगा पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा तो क्रैश ऑफ राइनोज क्रैश ऑफ राइनोज रूल याद रखिएगा कलेक्टिव नाउन सिंगलर होता है क्या कहा कलेक्टिव नाउन सिंगलर होता है ये देखिए कलेक्टिव नाउन सिंगलर है क्लस्टर लिखा है कॉन्वकेशन लिखा है क्रैश लिखा है लेकिन जिसका कलेक्शन है वो प्लूरल कैट्स लिखा है ईगल्स लिखा है राइनोज लिखा ठीक है ना तो कलेक्टिव नाउन सिंगलर होता है लेकिन जिसका कलेक्शन होता है वो प्लूरल होता है ठीक है उसके बाद देखिएगा वुड पेकर मैंने बता दिया था वुड पेकर माने क्या होता है वुड पेकर माने होता है कठ फोड़वा क्या होता है कठ फोड़वा तो कटफोड़वा का कल दिखाया भी था आपको डिसेंट बोलते हैं डिसेंट ऑफ माने गिलहरी मैंने बता दिया था इसका कलेक्टर बताया था बर्ड्स यानी पक्षी मैंने कहा था पक्षी जब उड़ते हैं तो ऐसा लगता है हवाई जहाज उड़ रहा है और हवाई जहाज का जो रूप आपको दिखाई देगा लगेगा एकदम चिड़िया उड़ रही है है ना चिड़िया उड़ रही है ऐसा लगेगा कि जो है चिड़िया उड़ रही है ठीक है तो चिड़िया उड़ रही है ऐसा आपको लगेगा महसूस होगा कि चिड़िया उड़ रही है तो इस तरीके से आपको फड़फड़ाते हुए नजर आएगी इसका मतलब फ्लाइट फ्लाइट मैंने बता दिया था हर्ड ऑफ कैटल हर्ड ऑफ कैटल अगर फिलिंदा ब्लैंक्स भरना है आपको तो हर्ड ऑफ कैटल करें अगला फ्लॉक ऑफ शीप देखिएगा फ्लॉक ऑफ शीप देखिएगा फ्लॉक ऑफ शीप शीप का प्लेल शीप ही होता है फ्लॉक ऑफ शीप करिएगा और ये देखिए हर्ड ऑफ कैटल मैंने बताया भी था आप यहाँ हर्ड देख रहे हो वही है हर्ड ऑफ कैटल होगा और फ्रॉग का कलेक्टिव नाउन जो होगा फ्रॉग का कलेक्टिव नाउन नॉट होगा के ओ टी होगा नॉट होगा ठीक है और दो और बता दिए थे अब चलिए फिर दो वो भी हो जाएं फिर मैं आपको एक साथ आगे ले चलूंगा मोल माने क्या कहा था छछूंदर मोल माने छछूंदर और छछूंदर का समूह लेबर छछूंदर का समूह लेबर और लेपर्ड माने क्या कहा था लेपर्ड माने होता है लेपर्ड माने होता है अरे शेर के ही जैसा होता है क्या बोलते हैं उसको तेंदुआ तो चलिए यहां पे लिख देता हूं मोल माने छछुंदर लेपर्ड माने तेंदुआ यहाँ तक हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था लीप ऑफ लेपर्ड तक अब सेवेंटीन नंबर से अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेवेंटीन नंबर से देखने जा रहे हैं ठीक है सेवेंटीन नंबर से देखने जा रहे हैं तो सेवेंटीन नंबर से देखिएगा लीटर किसका है लीटर किसका है लिटर जो कलेक्टिव नाउन है वो किसका है डॉग्स का डॉग्स का कलेक्टिव नाउन है कुत्तों का कलेक्शन जो होता है डॉग्स का जो झुंड होता है डॉग्स का या पिग्स का डॉग और पिग्स दोनों का कलेक्टिव नाउन लिटर कहलाता है क्या कहलाता है लिटर कहलाता है ये जो लिटर लिखा हुआ है ये झुंड होता है किसका डॉग का और पिग का डॉग का और पिग का कलेक्टिव नाउन क्या होता है डॉग और पिग का डॉग और पिग का कलेक्टिव नाउन जो होता है वो आपका लिटर लेकिन लिटर के बारे में एक बात और बताना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से देखना एल आई डबल टी ई आर लिटर के दो प्रयोग हैं एक लिटर जब कलेक्टिव नाउन होता है कलेक्टिव नाउन जब होता है तब यह किसका समूह होता है डॉग का और पिग्स का डॉग्स का और पिग्स का यह दोनों का समूह होता है तो कलेक्टिव नाउन की तरह इस्तेमाल किया लेकिन अगर लिटर को हम रेगुलर वर्ब बना दें, रेगुलर वर्ब मतलब जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म डी या ईडी लगा करके बनती है जिसकी सेकेंड या थर्ड फॉर्म डी या डी लगा करके बनती है उसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब तो रेगुलर वर्ब अगर मैं इसको बना दूं और तीनों फॉर्म कौन लिटर लिटर्ड लिटर्ड लिटरिंग लिटर लिटर्ड लिटर्ड लिटरिंग तो ये वर्ब की तरह जब इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है गंदा करना गंदगी फैलाना गंदा करना या गंदगी फैलाना इसको हम कहते हैं लिटर तो लिटर अगर जो है समूह की बात करें कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन के रूप में ये डॉग्स और पिग्स का कलेक्शन होता है झुंड होता है जबकि ये रेगुलर वर्ब के रूप में देखा जाए तो रेगुलर वर्ब के रूप में लिटर का मतलब होता है गंदा करना जैसे मैं कह दूं वाई डिड यू लिटर माई रूम बाई कटिंग दीज पेपर्स इन कागजों को काट काट कर तुमने क्यों मेरे कमरे को गंदा कर दिया है या जैसे कह दिया जाए सॉरी सर वी विल नॉट लिटर अवर क्लासरूम। गलती हो गई सर आज के बाद हम लोग अपनी क्लासरूम को कतई भी गंदा नहीं करेंगे आज के बाद हम लोग अपनी क्लासरूम को कतई भी गंदा नहीं करेंगे गंदगी नहीं फैलाएंगे कूड़ा नहीं फेंकेंगे नितिन जी मैं लेक्चर दे रहा हूं इसको कंप्लीट हो जाए फिर आपसे बात करते हैं ठीक है थीके? फ्लो फ्लो टूट जाएगा फ्लो टूट जाएगा मैंने आपके मैसेज को पढ़ा ठीक है अवॉइड नहीं किया है मैंने पढ़ा है लेकिन पहले फ्लो हमारा ना टूटे ठीक है तो ये उम्मीद करता हूं कि पिग का कलेक्टिव नाउन और डॉग का कलेक्टिव नाउन लेटर होता है लेकिन अगर रेगुलर वर्ब की तरह आप इसे यूज करोगे तो इसका मतलब गंदगी फैलाना या गंदा करना भी होता है वर्ड मतलब होता है जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म डी आई डी से बन जाए ठीक है तो इसके दो अर्थ होते हैं इसके दो अर्थ होते हैं ओके चलिए अगला देखते हैं अगली बात करते हैं हमारे पास है अगला हमारा है वर्ड कौन सा पिकॉक का कलेक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं पिकॉक मतलब होता है पिकॉक माने तो सभी लोग जानते हैं क्या होता है पिकॉक माने होता है मोर अब इसकी हिंदी मेरे को लिखने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए है ना तो मोर का समूह मोर का समूह मस्टर कहलाएगा क्या कहलाएगा मस्टर कहलाएगा एम यूएस टी ई आर मस्टर अब जैसे देखिए मस्टर ऑफ पिकॉक्स अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो क्या होगा आइए देख लेते हैं मस्टर ऑफ पिकॉक्स अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा देखिए मस्टर ऑफ लिखा पिकॉक अपने आप आ गया मैंने जो है मस्टर ऑफ लिखा पिकॉक्स अपने आप आ गया अब मस्टर ऑफ पिकॉक्स देख लीजिएगा ये देखिए ये पूरा पूरा मस्टर है पिकॉक्स का क्या है एक पिकॉक्स का क्या है पिकॉक का पूरा मस्टर है ये देखिए ये पूरा झुंड है पूरा समूह है यहाँ पे अकेला आपको नहीं मिल रहा ये पूरा पूरा उनका मस्टर आपको नजर आ रहा देख रहे हैं समझ में आ रहा है क्लियर है ये सिंगल पिकॉक है ठीक है ये सिंगल पिकॉक है ठीक है लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मस्टर है ये मस्टर है ठीक है अगर आप ध्यान से देखो नितिन जी तो यहाँ देखिए हर्ड ऑफ क्या लिखा है कैटल अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये देखिए यहाँ पे हर्ड ऑफ क्या लिखा हुआ है कैटल दिख रहा है? दिख रहा रहा है है मैंने कुछ किया नहीं मैंने केवल हर्ड ऑफ लिखा है हर्ड ऑफ लिखा, लिखा हुआ है है ना कैटल अपने आप गूगल ने दे दिया मैंने केवल हर्ड ऑफ लिखा दो कैटल अपने आप आ गया तो इसका मतलब जो मैंने बताया गलत नहीं है लेकिन चर्चा हम आपके क्वेश्चन पर अभी थोड़ी देर बाद करेंगे जब हम लेक्चर दे देंगे है ना तो हर्ड ऑफ कैटल ये देखिए ये देखिए हर्ड ऑफ कैटल करते ही क्या आ गया ये आ गया हर्ड ऑफ कैटल करते ही क्या आ गया ये आ गया इतने सारे आपको दिख गए ड्रूव ऑफ हॉर्सेज होता है ड्रूव ऑफ क्या होता है हॉर्सेज होता है ड्रूव ऑफ क्या होता है हॉर्सेज होता है ये देखिए घोड़ों का समूह जो वो ड्रूव होता है अब बुक वाले हैं कुछ भी दे सकते हैं लेकिन बुक में लिखा हुआ है इसलिए हमें उस पर विश्वास ज्यादा होगा हमारा फेथ उस पर ज्यादा होगा क्योंकि भाई बुक में लिखा हुआ है यहां पे टीचर बता रहा है तो हो सकता है भाई विश्वास थोड़ा कम हो लेकिन ड्रूव आप किसके लिए लगाओगे ड्रूव ऑफ ड्रूव ऑफ हॉर्सेस और हर्ड ऑफ कैटल ठीक है थोड़ा सा विश्वास करिए आप जो है हर्ड को मान के चलिएगा किताब है सबके अपने अलग अलग नजरिए हैं सबके अलग अलग आंसर हैं है कलेक्टिव नाउन ही अगला देखेंगे ants ants माने क्या होता है चीटी ants माने क्या होता है चीटी और स्नेक माने क्या होता है सांप तो चीटी और सांप इसकी तो हिंदी पता ही होगी चीटी और सांप का समूह क्या कहलाता है क्या कहलाता है कोई बात नहीं टेस्ट दे रहे तो जरूरी थोड़ी है कि जो लिखा हो बिल्कुल सही हो हो सकता है जो उन्होंने लिखा है वो गलत हो आपने जो पढ़ा है आप उसी पे अमल करिए आपने जो पढ़ा है आप उसी पे अमल करिए आपके टेस्ट में कौन क्या दे रहा है किसने क्या बनाया है पता नहीं कल को मैं एक टेस्ट पेपर बनाऊंगा और गलती से कुछ उसमें प्रिंट हो जाए तो आप उससे मतलब ना रखें आपने जो पढ़ा है ये गुरु मंत्र ले लीजिए आपने जो पढ़ा है वही सही है बाकी दुनिया की सारी चीजें बेकार हैं ठीक है ये कॉन्फिडेंस लाइए ये कॉन्फिडेंस लाइए तो ऑफ एंडस क्या बोला मैंने यानी कि चींटियों का समूह चींटियों का समूह या स्नेक का समूह क्या कहलाता है अब तो देखो मैंने गूगल पे भी आपको दिखा दिया ना डाउट खत्म और आइए यानी कि जो मैं पढ़ा रहा हूं कलेक्टिव रेफरेंस ये आपके टेस्ट में आया मतलब ये पेपर में पूछा जाता है सही है ना यानी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये पेपर में आता ना एक बार सबको बता दो ना कि आप टेस्ट दे रहे थे तो ये चीज जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इससे क्वेश्चन आया था ताकि लोगों को लगे कि मैं बेकार की चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं केवल टॉपिक टू टॉपिक बातें कर रहा हूँ जो जो चीजें जो है पेपर में पूछी जाती है वही टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ अपने बीस साल के एक्सपीरियंस को आपके सामने खुला रखता हूँ अगला देखिएगा हाउंड्स क्या होते हैं हाउंस होते हैं एक्चुअली शिकारी कुत्ते होते हैं हाउंस क्या होते हैं शिकारी कुत्ते होते हैं हाउंड्स किसको कहते हैं शिकारी कुत्ते जंगली कुत्ते जो होते हैं उनको हाउंड्स कहते हैं और हाउंस का जो कलेक्शन होता है वो पैक कहलाता है पैक ऑफ हाउंस पैक ऑफ लकड़बग्घा टाइप में भी होते हैं मतलब बड़े खतरनाक और गंदे दिखते हैं ठीक है पैक ऑफ हाउंड्स इसको हम क्या लिख लेंगे शिकारी कुत्ते नेवी में भी आया था अरे वाह क्या बात यानी कलेक्टिव रेफरेंस जो है नेवी में भी आया था नितिन जी कह रहे हैं टेस्ट में भी आया तो मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं मुझ पर ज्यादा मत करो मैं फेत करने लायक शायद सा, ना रहूं कोई बात नहीं है लेकिन मेरे पे आप दस परसेंट पांच परसेंट तो फेत कर सकते हो ना अब मैं पढ़ा रहा हूं तो पांच से दस परसेंट फेद करो मैं जो पढ़ाऊंगा यकीन मानो लोग बहुत सारे ये भी सोच रहे होंगे कि सेल्फ एडमायरेशन कर रहे हैं मैं एडमायरेशन नहीं मैं आपको हकीकत बता रहा हूं क्या है कैसे है है ना तो जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ वही आपको याद रखना है ठीक है वही पढ़ना है बाकी आप एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ो लेकिन पहले वो जो मैं पढ़ा रहा हूँ हेलो हाँ सुनो अभी क्लास चल रही है अरे सुनो 2018 एयरफोर्स में आया था पैक ऑफ आउंट्स बहुत अच्छी बात है अगला आइएगा डक्स देखिएगा डक्स क्या होती है डक्स तो सभी लोग जानते हैं डक्स माने बत्तख होती है, है ना बतक, डक माने बत्तख मादा बतक को कहते हैं हालांकि यहां नर मादा से मतलब नहीं है ड्रैक माने नर बतक वो भी मैं पढ़ाऊंगा मेल फीमेल तो इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं पैडलिंग कारण क्योंकि अगर आप याद करने के लिए केवल बता रहा हूं क्योंकि अगर आप इन डक्स के पैरों को देखो तो आपको इनके पैर कुछ ऐसे नजर आते हैं है ना चप्पू जैसे ठीक है ऐसे पैर होते हैं ये चौड़ा होता है काफी ज्यादा ये चीज तो ये पैर क्या करती है जब तैरती है ना तो पैरों को ऐसे चलाती है जैसे साइकिल का पैडल मार रही यूं 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 करके पैडल मारते हुए चलती है ठीक है तो डक तैरती कैसे पैडल मार के तैरती है तो उसका कलेक्शन क्या हो जाएगा पैडलिंग ऑफ डक्स क्या हो जाएगा पैडलिंग ऑफ डक्स ओके अगला आ जाओ उल्लुओं का समूह देख लो उल्लुओं का समूह क्या होता है पार्लियामेंट होता है उल्लुओं का समूह क्या होता है पार्लियामेंट होता है पार्लियामेंट ऑफ हाउस ठीक है पार्लियामेंट ऑफ हाउस आंचल और शबरीन का जवाब नहीं आ रहा मॉर्निंग की क्लास में खूब आप बढ़िया बढ़िया जवाब देते हैं आंचल और सबरीन क्यों शांत हैं? नीलम गुप्ता आज क्लास में नहीं है क्या मैं आपको ऑनलाइन नहीं बिल्कुल ऑफलाइन का एहसास कराना चाहता हूं जैसे क्लास में भी जो है मैं लोगों को टोकता रहता था भाई आप बताओ आप बताओ मैं सबका नाम लेता रहता हूं लेकिन आपको एक्टिव होना पड़ेगा है ना अभिषेक द्विवेदी जी तो पार्लियामेंट ऑफ हाउस इसको देख के हंसने की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट ऑफ हाउस वास्तव में बड़ा अच्छा नाम रखा गया है कि हमारे इंडिया में जो पार्लियामेंट है संसद है वहां पे सब ही रहते हैं ये दिमाग में रखो तो याद रहेगा ठीक है उल्लू टाइप के लोग रहते हैं तो यहां उल्लुओं का कलेक्शन क्या कहलाएगा पार्लियामेंट माने बतक का झुंड अब का झुंड का समूह ये लिख लेना और उसमें तो पता ही है। उल्लू उल्लू अब यहां पे देखिएगा सील सील क्या होता है सील एक जाति प्रजाति है एक जानवर होता है एक जीव होता है इसके समूह को हम लोग क्या बोलते हैं अभी मैं आपको दिखा दूंगा सील कैसा दिखता है ऑनलाइन में तो ये फायदा है जो चीज आपने नहीं देखी वो तुरंत मैं आपको दिखा दूंगा तो सील देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ सील क्या? चलो भाई सबको सील दिखाया जाए ठीक है चलो भाई जल्दी से सील ये देखिए कितनी सारी सील देखा आप लोगों ने सील नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर आपने इनको देखा होगा समुद्र के किनारे ये सब आपको मिलेंगे चलो मैं पॉड हटा देता हूँ केवल सील लिखूँ तो सिंगल आपको नजर आएंगे ठीक है सील्स देखिए ये देखिए ये सील है ये क्या है ये देखो बेटा क्या है सील है ये देखिए एक जानवर होता है जो कि ठंडी जगह पे पाया जाता है इसको सील बोलते हैं ठीक है ये दो कितने आराम से सील यहां पे आंखें बंद किए हुए पानी के अंदर है ठीक है इन्हीं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं इन्हीं के समूह को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं पॉड बोलते हैं क्या बोलते हैं पॉड बोलते हैं इन्हीं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं पॉड बोलते हैं क्लियर हो गया सील क्या होता है अगला आ जाओ लॉयन का समूह क्या होता है भाई लॉयन का समूह लॉयस जो होते हैं लॉयंस का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है, है प्राइड कहलाता है क्या कहलाता है प्राइड कहलाता है लॉयन का समूह क्या कहलाता है प्राइड कहलाता है लॉयंस का समूह क्या कहलाता है प्राइड कहलाता है ठीक है हाँ मॉर्निंग में भी क्लास चलती है वो वो भी पेड बैच है वो पेड बैच है वो फ्री बैच नहीं है जैसे कि ये भी हमारा जो है मॉर्निंग वाला जैसे पेड बैच चलता है वैसे इवनिंग वाला भी हमारा पेड हो जाएगा मंडे से तो सभी लोगों से मेरी एक बार अपील है कि जिनको क्लास अच्छी लग रही है जिनको लगता है कि मेरे पढ़ाने से उनके पेपर में उनको हेल्प मिलेगी तो प्लीज़ रजिस्टर योर अपना रजिस्ट्रेशन आप कराएं आप जो है सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन परचेज करने के लिए करना क्या है आपको मेरे को कॉल करना है अगर जीएसटी के बग़ैर पेमेंट करना है नंबर है नाइन फोर वन फाइव वन डबल फाइव डबल ज़ीरो सेवन चौरानबे एक सौ इक्यावन पचपन डबल ज़ीरो सात तो इसमें मैं आपको बता दूंगा सब्सक्रिप्शन लेना कैसे आ जाए चलिए आपको प्राइड ऑफ लायंस दिखा दूं पहले प्राइड ऑफ लाइन देखिएगा ये देखिए आपको लायंस का प्राइड बैठा हुआ है क्या है लायंस का क्या बैठा हुआ है प्राइड बैठा हुआ है प्राइड बैठा हुआ ये देखो पूरा पूरा प्राइड है लॉयंस का क्या है ये प्राइड है ये आप देख रहे हो पूरा प्राइड लॉयंस का झुंड जो होता है क्या कहलाता है लॉयंस का जो झुंड होता है वो क्या कहलाता है प्राइड कहलाता है अब ये सिंगल लॉयन है और ये क्या है आपका ये आपका सिंगल लॉयन और ये आपका क्या हो गया प्राइड है ये भी हमारा प्राइड है क्लियर हो गई बात तो प्राइड मतलब शेर का समूह और बियर्स बियर्स तो पता होगा अरे पीने वाली नहीं भाई वो बी डबल होती घनघोर ठंडी वाली मैं घनघोर वाली की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ भालू की बात कर रहा हूँ भालू भालू का समूह स्लॉथ कहलाता है स्लॉथ क्या कहलाता है स्लॉथ कहलाता है एस एल ओ टी एच स्लॉथ के बारे में एक चीज और आपको बताना चाहूंगा लेकिन बाद में बताऊंगा पहले देख लो स्लॉथ ऑफ बियर्स ये देखिए आपको पूरा पूरा स्लॉथ दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा है पूरा पूरा स्लॉथ दिखाई दे रहा है स्लॉथ ऑफ बियर्स देख रहे हैं भालू का समूह क्या कहलाता है भालू का समूह क्या कहलाता है स्लॉथ कहलाता है एक ये स्लॉथ देख लीजिए ये अगला ये अगला है हमारा वर्ड हाँ बियर का मतलब सहन करना भी होता है वो वर्ब की तरह है वो वर्ब की तरह जब आप यूज करोगे ठीक है अभी मैं आपको बताता हूं तो वो बियर का मतलब क्या हो जाएगा बियर करना मतलब सहन करना या वहन करना होता है क्या होता है वहन करना मैं भैया बड़ा महंगा है मैं इतना वहन नहीं कर पाऊंगा ये जो रूम आप दे रहे हो मेरे को रेंट पे बहुत महंगा है मैं इसको बियर नहीं कर पाऊंगा तो बियर का वहां पे सहन करना वो सेंटेंस आने के बाद क्लियर होता है मैं बात कर रहा था कि स्लॉथ के बारे में ना स्लॉथ के बारे में स्लॉथ के बारे में देखिए मैंने कहा स्लॉथ के दो अर्थ होते हैं यही बताना था आपको ध्यान रखिएगा माइंड में याद रखिएगा सब लोग ध्यान रखेंगे स्लॉथ अगर मैं कलेक्टिव नाउन की बात करूं तो ये किसका कलेक्शन है बेयर्स का लेकिन अगर स्लॉथ को हम बतौर एडजेक्टिव यूज करते हैं विशेषता के रूप में तो इसका मतलब क्या होता है इसका एडजेक्टिव के रूप में जो मीनिंग निकलता है वो होता है आलसी क्या होता है आलसी जिसको आप लेजी कहते हो यानी आप लेजी की जगह पे आज की आज के बाद आप कुछ दिन तक आप कुछ दिन तक आलसी की लेजी की जगह पे आप जो है स्लॉथ बोल सकते हो ठीक है आप हेलो हेलो हाँ मामा नमस्ते अभी पापा से बात करा रहे हैं पापा भी हैं हाँ मामा. हाँ हाँ मामा अभी हम क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं अभी पापा से आपकी बात करा देंगे ठीक है ठीक है अभी पापा आएंगे तो हम बात करा देंगे हम समझ नहीं पा रहे हैं अभी हम क्लास ले लें क्लास ऑनलाइन कर लेंगे चलिए अगला वर्ड हमारा आ रहा है स्वार्म या हाइव कुछ भी बोल लीजिए किसका कलेक्शन होता स्वार्म या हाइव मधुमक्खियों का जब कोई पूछे मधुमक्खियों के झुंड को क्या कहते हैं तो आप वहां पे कह सकते हो भैया मधुमक्खियों के झुंड को स्वार्म भी कहते हैं हाइव भी कहते हैं एक्चुअली ये हाइव तो छत्ता को कहते हैं कौन रहता है अगर वो पूछे कि मधुमक्खियों का प्लेस क्या है रहने का तब तो हाइव ठीक है लेकिन ये कलेक्टिव नाउन के रूप में भी हाइव यूज कर देते हैं लोग वो भी मान्य है तो स्वार्म अगर आता है तो स्वार्म भी आपका सही है और हाइव भी सही है ठीक है और अगला देखिएगा ऑक्सन ऑक्सन का मतलब क्या होता है ऑक्सन का मतलब होता है बैल बैल का प्लेल यानी ऑक्स का प्लेल ऑक्सन होता है और इसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं इसके ग्रुप को हम कहते हैं टीम क्या कहते हैं टीम कहते हैं क्या कहते हैं टीम और मंकी 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 माने होता है बंदर और बंदर के समूह को क्या कहते हैं बंदर के समूह को कहते हैं ट्रूप क्या कहते हैं ट्रूप कहते हैं बंदर के समूह को क्या कहते हैं ट्रूप कहते हैं टी आर ओ पी टी आर टी आर ओ यूपी ट्रूप ऑफ मंकीज यानी बंदरों का समूह तो बंदरों के समूह को क्या बोला जाता है बंदरों के समूह को हम लोग ट्रूप बोलते हैं जैसे मैं आपको ट्रूप ऑफ मंकीज दिखा देता हूं आप देख सकते हो देख रहे हैं आप ये देख रहे हैं ट्रूप ऑफ मंकीज क्लियर है ये ट्रूप ऑफ आप मंकीज आपको नजर आ रहा है तो ट्रूप ऑफ मंकीज का मतलब क्या हो गया बंदरों का समूह बंदरों का समूह जो होता है वो ट्रूप ऑफ मंकीज ठीक है प्रूफ ऑफ मंकीज अगला आ जाइए तो ये था हमारा बी पार्ट कलेक्टिव रेफरेंस टू किसका कलेक्टिव रेफरेंस टू किसका कलेक्टिव रेफरेंस टू बर्ड्स एंड एनिमल्स बर्ड्स एंड एनिमल्स ठीक है कलेक्टिव रेफरेंस टू बर्ड्स एंड एनिमल्स ठीक है अब अब हम बात करेंगे सी नंबर की अब हम बात करेंगे पार्ट सी की लेकिन पार्ट सी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ के लिए लाइव क्लास में ही आपको पीडीएफ मिलेगी कहा मिलेगी लाइव क्लास में यहां पे भी मिल जाएगी आपको आपके टेलीग्राम पे भी मिलेगी कैसे मिलेगी आपके सामने देखिए आपके सामने देखे यहां पर ज्वाइन लाइव चैट लिखा हुआ था आपने ज्वाइन किया था और जब ज्वाइन कर लिया तो अब लिखा होगा क्विट लाइव चैट तो क्विट करिए आप इसको इसी समय और क्विट करने के बाद आप ज्वाइन लाइव क्लास के नीचे थंबनेल बना हुआ है बना हुआ है ज्वाइन लाइव चैट के नीचे थंबनेल बना हुआ है ठीक है यह थंबनेल बना हुआ है ये आपकी स्क्रीन है ये आपका थंबनेल बना हुआ है इस थंबनेल में नीचे देखिए लिखा अटैचमेंट तो आप उसी अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो फाइल जो है खुल जाएगी पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूं इसी का पीडीएफ आप अभी चेक कर लीजिए जिसके में ना हो रहा हो वो मेरे को बता दे और अटैचमेंट के लेफ्ट हैंड साइड लिखा क्विज क्विज पे अगर आप क्लिक करोगे तो कोई ना कोई क्विज भी खुल जाएगी जैसे आज सेनोनिम की क्विज़ में ऐड कर दी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आपको नॉलेज और अटैचमेंट पे क्लिक करिए अभी आपको ये फाइल जो है आपको डाउनलोड होकर के तुरंत दिखाई पड़ जाएगी ठीक है अब आप उसको खुलने के बाद चाहो तो डाउनलोड कर लो ऊपर थ्री डॉट्स हैं जब वो फाइल खुल जाए तो थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करिए और डाउनलोड पे लगा दीजिए आपको तुरंत जो है वो मिल जाएगा तो ज्वाइन लाइव चैट पे जाइए और ज्वाइन लाइव चैट के नीचे थंबनेल नेल पर बना हुआ है अटैचमेंट अटैचमेंट पे क्लिक कर दीजिए करके देख लीजिए सब लोग अब आइए हम लोग बढ़ते हैं पार्ट सी में कोई डाउट सबके में डाउनलोड हो रहा है चेक कर लिया डाउनलोड हो रहा है डाउनलोड हो रहा है नहीं वो तो मैंने भेज दिया लेकिन देखिए इस लेक्चर में वो तो मैंने कल ही भेज दिया था लेकिन लेक्चर में आपको देखिए यहां पे मिल रहा है लेक्चर में आपको मिल रहा है चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं कलेक्टिव रेफरेंस टू थिंग्स किसकी बात करने जा रहे हैं कलेक्टिव रेफरेंस टू थिंग्स यानी कि लास्ट पार्ट है ये अंतिम पार्ट है यहीं पे हमारा कलेक्टिव रेफरेंस खत्म हो जाएगा दो दिन का लेक्चर था कल मैंने स्टार्ट किया और आज जो है वो खत्म हो गया तो भाई पीडीएफ डाउनलोड करना सबको आ गया पीडीएफ डाउनलोड करना सबको आ गया मैंने बता दिया पीडीएफ डाउनलोड करना सबको आ गया तो कलेक्टिव रेफरेंस टू थिंग्स थिंग्स माने चीज सामान वस्तु चीज़ सामान वस्तु का कलेक्शन चीज सामान वस्तु का कलेक्शन क्या होता है चीज सामान वस्तुओं का पहले मैंने पीपल का कराया पीपल के बाद फिर मैंने किसका कराया पीपल के बाद जो है मैंने कराया बर्ड्स और एनिमल्स का बर्ड्स और एनिमल्स का और बर्ड्स ऑफ एनिमल्स के बाद बर्ड्स और एनिमल्स के बाद क्या हो गया बर्ड्स एंड एनिमल्स के बाद तीसरा पार्ट आ रहा है कलेक्टिव रेफरेंस टू थिंग्स कलेक्टिव रेफरेंस टू थिंग्स सब लोग वापस आ जाइए बाद में चेक करिएगा बाद में देख लीजिएगा अटैचमेंट आपको पास लाइव क्लासेस में भी मिल जाएगा एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स पोएम जो होती है देखो गलत लिखा हुआ है poem नहीं पोएम्स क्या करेंगे poems कलेक्टिव नाउन सिंगलर लेकिन जिसका कलेक्शन वो प्लूरल होता है कलेक्टिव नाउन सिंगलर लेकिन जिसका कलेक्शन वो प्लूरल होता है ठीक है पोयम poem नहीं पोयम्स ठीक है अब ठीक है चलो तो मैंने कहा कि कलेक्टिव नाउन सिंगलर लेकिन जिसका कलेक्शन वो प्लूरल तो पोयम जो होती है कविताएं कविताओं का संकलन जो होता है कविताओं का संकलन जो होता है वो एंथोलॉजी कहलाती है क्या कहलाती है एंथोलॉजी कहलाती है कविताओं का जो संकलन होता है वो एंथोलॉजी कहलाती है एंथोलॉजी जैसे रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है कौन सी रवीन्द्रनाथ टैगोर की एंथोलॉजी कौन सी है नाम लीजिए नाम लीजिए भाई रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी लिखी हुई है एंथोलॉजी उसी में एक एक पोयम का नाम है माई हेवन गीतांजलि गीतांजलि लिखी है क्या लिखी है गीतांजलि लिखी तो गीतांजलि क्या है कलेक्शन ऑफ पोयम एक बुक है जिसमें बहुत सारी कविताएं उसको एंथोलॉजी बोलेंगे अगला देखिएगा न्यूज एंड लेटर्स न्यूज और लेटर का कलेक्शन क्या होता है न्यूज और लेटर का कलेक्शन बजट कहलाता है बजट ऑफ न्यूज या बजट ऑफ लेटर्स ढेर सारे आपके पास लेटर रखे हुए हैं जिसे हम लोग कहते हैं गड्डी हिंदी में क्या कहते हैं गड्डी चिट्ठियों की गड्डी बना के रखे हैं चिट्ठियों की गड्डी बना के रखे हैं तो गड्डी जो होती ना इंग्लिश में बजट बना के रखा हुआ है और खर्चे वाले को भी बजट कहते हैं ना कि भाई बजट के बाहर आज शॉपिंग हो गई फ्लावर्स फ्लावर्स के लिए फ्लावर्स के लिए फ्लावर्स के लिए मैं दो वर्ड आपको दे रहा हूं फिलहाल तीसरा बता दूंगा बोल करके लिखा नहीं है मैंने तो दो वर्ड जो लिखे हैं वो देख लीजिए बंच ऑफ फ्लावर्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है सबसे ज्यादा पॉपुलर है बंच ऑफ फ्लावर्स बंच ऑफ फ्लावर्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है सबसे ज्यादा बंच 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 ऑफ फ्लावर्स का यूज यूज किया है, किया जाता जाता है है अगर नहीं मिलेगा तो बुके भी आप लगा सकते हैं ठीक है, है? बुके आप और नहीं तो जो पेड़ पे लगे हुए फूलों का गुच्छा ये तो टूटे हुए फूलों का गुच्छा है लेकिन अगर पेड़ पे लगे हुए फूलों के गुच्छों की बात करें तो क्लस्टर वही जो बिल्ली का था वही जो बिल्ली का था ठीक है वही जो बिल्ली का था क्लस्टर ऑफ कैट्स वही क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स तो क्लस्टर भी होता है बंच भी होता है बुके भी होता है बुकेट बुकेट ना पढना टी साइलेंट है लेकिन बंच केवल फ्लावर्स का ही नहीं होता है बंच का प्रयोग हम और जगह भी करते हैं किसके चाभी का गुच्छा अंगूर का गुच्छा केले की गोद प्लांटेन्स माने केला ठीक है तो इनकी गोद जो होती है लगी हुई होती है पेड़ में देखते हो पूरा गुच्छा होता है वो क्या कहलाएगा बंच तो प्लांटेंस में आपको दिखा देता हूं प्लांटेंस प्लांटेंस ये देखिए ये देख रहे हैं आप ये देखिए ये क्या है बंच है बंच ऑफ प्लांटेंस तो देखिए प्लांटेंस दिखा दिया बंच बुके ऑफ फ्लावर्स हाँ ठीक है दोनों सही हैं हाँ बंच को डबल स्टार बुके को सिंगल स्टार दिया है ग्रेप्स का भी है ये देख रहे हो आप ये क्या है ये भी हमारा बंच ही कहलाएगा ये भी हमारा क्या कहलाएगा बंच ही कहलाएगा तो प्लांटेंस माने क्या होता है प्लांटेंस माने होता है केला कच्चा केला प्लांटेंस होता है पक जाए तो बनाना हो गया पक जाए तो बनाना हो गया ठीक है ये जितने भी आप देख रहे हो ये सब हमारे प्लांटेंस हैं तो प्लांटेंस अगर लिख के आया तो समझ जाना बनाना की बात कर रहा है ठीक है अगला आ जाओ अगला कह रहा है स्टिक्स स्टिक्स क्या होती हैं छड़ी स्टिक्स क्या होती हैं छड़ी और हे सूखी घास क्या चीज सूखी घास इनका पीली वाली घास ये देखिए ये देख रहे हैं आप ये 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 क्या है हमारा ये है क्या है हे है ये देख रहे हो आप पूरा पूरा हे है ये है भूसा सुना होगा ये है खेतों में रहता है ना खेतों पे जितने लोग खेतों से संबंधित हो वो बताएं जो लोग खेतों से संबंधित हैं अभिषेक ये ये देखा है है ना ये सब लगा होता है इसी को कहते हैं क्या हे बोलते हैं क्या बोलते हैं हे ठीक है लेकिन ये बाई मिस्टेक यहां पर जो है गलत लिख गई है स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक है मैं क्लियर कर दू एच ई वाई नहीं होता है एच ए वाई होता है क्या होता है एच ए वाई होता है क्या होता है एच ए वाई होता है तो मैं इसको एच ए बना देता हूं एच ए वाई क्या होता है एच ए वाई अगर एच ई वाई हो जाए तो हो जाए हाय हे हे अनिल हे आशुतोष हे दीपक आशुतोष से याद आया आशुतोष जी काफी दिन से नहीं आ रहे हैं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं अगर हो तो बताएं आशुतोष जी आशुतोष मौर्य जी मालती आशुतोष ये लोग अगला आइए तो हे माने होता है सूखी घास बंडल ऑफ आपने देखा है राजा कुमार जी सूखी घास हाँ ठीक है सही है बंडल ऑफ स्टिक्स या बंडल ऑफ स्टिक माने छड़ी होती है तो छड़ियों का समूह या सूखी घास का समूह क्या होता है या भूसे का समूह कह लो भूसा बहुत सारे लोगों के खेतों में भूसा होता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में भूसा होता है है ना चाहे जितना उनको समझाओ करेंगे वो अपने हिसाब से ही अगला आ जाइए नेक्स्ट ईयर्स ईयर्स माने क्या होता है वर्ष क्या कहलाता है वर्ष वर्ष दर वर्ष बीतते गए ईयर्स का समूह क्या कहलाएगा सेंचुरी सेंचुरी ऑफ इयर्स सेंचुरी ऑफ ईयर्स हे प्रभु हाँ हे प्रभु, प्रभु। एच ए वाई हाँ ठीक है हे हे hey प्रभु बिल्कुल सही पकड़ा अगला आ जाइएगा माउंटेन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है भाई परीक्षा की दृष्टिकोण से परीक्षा की दृष्टिकोण से आप माउंटेन्स वाला काफी इंपॉर्टेंट है लगा दिया टिक ठीक।, ठीक है माउंटेन्स का कलेक्टिव नाउन जो होता है चेन ऑफ माउंटेन्स भी हो सकता है क्या हो सकता है चेन ऑफ माउंटेन्स भी हो सकता है चेन ऑफ माउंटेन रेंज ऑफ माउंटेन्स भी दिया हो सकता है आप दोनों याद रखो चेन ऑफ माउंटेन्स भी हो सकता है और भूसा की तरह हाँ बिल्कुल भूसा की तरह होता है या रेंज ऑफ माउंटेन अगला आ जाइएगा नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रीज 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 का समूह जो होता है वो क्लंप कहलाता है क्लंप ऑफ ट्रीज झुरमुट बोलते हैं झाड़ियों का झुरमुट या फॉरेस्ट 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 ऑफ ट्रीज या ऑफ ट्रीज नितिन जी आपके वो अरे आपके मित्र जो आपके साथ बैठते थे बैक बेंच पे क्या नाम है भूल गया मैं क्या हाल है उनके अरे बड़ा प्यारा नाम है भाई स्मार्ट से स्मार्ट गाय क्या नाम है उनका अरे बहुत बढ़िया अच्छा लड़का है क्या हाल चाल है उनके बढ़िया हैं उनको भी बुला लीजिए वो भी क्लास लिया करें स्टार्स स्टार्स सितारों का समूह क्या होता है तारामंडल कहते हैं इंग्लिश में हिंदी में तारामंडल इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं गैलेक्सी बोलते हैं ठीक है क्लंप ऑफ ट्रीज कहीं जाइएगा नहीं तो क्लम्प ऑफ ट्रीज कह सकते हो आप या फिर जो है फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज भी कह सकते हो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स देखना है तो गैलेक्सी तो जानते ही हैं ठीक है थिके? और अंडों का समूह अंडों का समूह अंडों का समूह समू क्या कहलाता है अंडों का समूह क्या कहलाता है अंडों का समूह कहलाता है क्लच क्या कहलाता है क्लच क्लच ऑफ एग्स क्लच ऑफ एक्स कहिए क्लच ऑफ एक्स मतलब अंडों का समूह और अगला देखिएगा लॉ माने होता है नियम कायदा कानून इसका प्लूरल मतलब लॉ कर देना लॉ का लॉ ही रहेगा ठीक है लॉ लॉ का जो है कलेक्शन होता है झुंड जो होता है जान पे सारे नियम कायदे कोड का होते हैं इंडियन पेनल कोड की धारा 302 के तहत इनको आजीवन कारावास तो की सजा सुनाई जाती है इंडियन पेनल कोड यानी कि जो है भारतीय दंड संहिता so, तो लॉ लॉ जो बनते नियम बनते होंगे कोड होते हैं कोड ऑफ लॉ और कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स क्या कंसाइनमेंट ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ क्या कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स गुड्स माने होता है क्या माल क्या होता है सामान माल कुछ भी कह लो माल कह लो सामान कह लो व्यापारिक भाषा में कॉमर्स जिन्होंने पढ़ी है वो जानते होंगे गुड्स मतलब सामान या माल नगद माल बेचा अब आवाज ठीक है अब आवाज ठीक है हेलो 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 सही है आवाज ठीक हो गई मुझे लग रहा है माइक हिल गया था चलिए तो कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स देख लीजिएगा कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स का मतलब हो गया गुड्स माने सामान और इसका कलेक्शन क्या कहलाएगा कंसाइनमेंट कहते ना आज मेरी बहुत बड़ी कंसाइनमेंट मुझे मिला है एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट डील मेरी जो है फाइनल हुई है कंसाइन फिल्मों में सुना होगा आज आज मेरा ये करोड़ों का कंसाइनमेंट कैंसिल हो गया तो करोड़ों का कंसाइनमेंट कैंसिल हो गया का क्या मतलब है यानी कि वो सामान का जो समूह होता है जो ऑर्डर मिलना था वही आपका कहलाता है कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स अगला जाइएगा क्रॉकरी या कह लीजिएगा फ्रूट्स क्रॉकरी या फ्रूट्स का समूह क्या कहलाता है क्रेट कहलाता है क्या कहलाता है क्रेट क्रॉकरी या फ्रूट्स का समूह क्या कहलाता है फ्रूट्स का या क्रॉकरी का क्रेट लोग कैरेट कैरेट बोलते हैं क्या बोलते हैं कैरेट लोग कहते हैं कैरेट लोग कहते हैं कैरेट कैरेट नहीं होता क्रेट होता है क्रेट क्या होता है क्रेट होता है क्रेट ऑफ फ्रूट अगला देखिएगा स्नो जानते हैं स्नो तो जानते होंगे स्नो 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 अरे जो आसमान से बर्फ गिरती है जिसका हाथ में गोला बना बना के एक दूसरे पे फेंक फेंक के खेलते हैं समर वेकेशन पे आप मनाली शिमला ऊटी रोहतांग या फिर जो है पिस्सू टाप पत्नी टाप पत्नी टाप के अलावा और क्या है लेह लद्दाख वहां जाते हैं तो आपको स्नो मिलती है बर्फ होती है बर्फ की चादर बिछी होती है तो बर्फ की चादर को फॉल ऑफ स्नो बोलते हैं क्या बोलते हैं फॉल ऑफ स्नो कहते हैं तो चलो भाई स्नो मैं आपको दिखा देता हूं जो लोग नहीं गए हैं ये देखिए ये आप देख रहे हो ये पूरा स्नो ही स्नो है ये देखिए पूरा स्नो ही दिख रहा है ये पूरा स्नो ही स्नो दिख रहा है देख रहे हैं आप शिमला में खेले हैं आप अरे वाह हमने रोहतांग में खेला है हमने रोहतांग में खेला है स्नो फॉल ऑफ स्नो ठीक है ना और एथलीट्स देखिएगा एथलीट्स जो होते हैं हाई जंप फर्डल रेस है ना भाला फेंकने वाले वो जो होते हैं ना एथलेटिक्स तो so, एथलीट्स का जो कलेक्शन होता है झुंड होता है वो क्या कहलाता है एथलीट्स का जो झुंड होता है वो फील्ड कहलाता है धावकों का समूह फील्ड ऑफ एथलीट्स फील्ड ऑफ एथलीट्स क्या कहलाएगा फील्ड ऑफ एथलीट्स क्या कहलाएगा फील्ड ऑफ एथलीट्स लद्दाख में देखा है अनुरक्ति ने अच्छा अब देखो भेड़ भेड़ का समूह क्या कहलाता है भेड़ का समूह कहलाता है फ्लीट ये भी इंपॉर्टेंट सबसे पहले लिख लिया जाए भाई ये इंपॉर्टेंट है रेड कलर से लिखेंगे तो फिर साफ दिखाई देगा वेरी इंपॉर्टेंट है ये कहां लगा दिया जी यहाँ पे ये वाला ठीक है सोलह नंबर प्लीट ऑफ शेप्स प्लीट ऑफ शेप्स अच्छा शिप्स और शीप में अंतर होता है शीप माने क्या होता है भेड़ है ना शीप माने भेड़ और ये क्या है यह है शिप्स शिप्स माने जहाज fleet ऑफ शिप्स ये इंपॉर्टेंट है जहाज पानी वाला जहाज जहाज का समूह आइलैंड्स आइलैंड्स क्या होते हैं द्वीप होते हैं क्या होते हैं द्वीप द्वीपों का समूह द्वीपों का समूह आइलैंड होता है देखो इसको कई लोग पढ़ने में आईएस मिला के इजलैंड पढ़ने लगते हैं देखो आइलैंड सोना था यहां पे भी मिस्टेक हो गई है बड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है इसमें चलो तो सुधार देते हैं कलेक्टिव लेकिन जिसका कलेक्शन वो प्लूरल हाँ तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स क्या बोलेंगे गलत हो जाएगा जब आईलैंड स करोगे आईलैंड स प्लूरल तभी सही होगा नहीं तो एरर माना जाएगा सेवनटीन हो गए चलिए सेवनटीन के बाद थोड़े ऐसे और बचे हैं और उसके बाद फिर हम लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा ठीक है कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद थोड़े से कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको हम लोग जो है बात करेंगे आप देख रहे हो कि ऐसे ही क्वेश्चंस में अभी आपको सामने दूंगा ठीक है आपको सही करना होगा प्रैक्टिस भी करवा देंगे थोड़ी सी। अगला देखिएगा गांव के घर गांव के जो घर होते हैं हाउसेस लेकिन कहाँ पे स्पेशली इन ए विलेज इन ए विलेज गांव के जो घर होते हैं गांव के घरों का जो समूह होता है गांव के घरों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है गांव के घरों का जो समूह होता है वो हैमलेट कहलाता है हैमलेट का मतलब हो गया पुरवा क्या होता है पुरवा पुरवा में देखते होंगे कि बहुत सारे घरों को मिला करके एक मोहल्ला बसा दिया जाता है फिर अंगद का पुरवा मिश्रण का पुरवा तिवारी का पुरवा ठीक है महाजन का पुरवा लाला का पुरवा ठीक है तो ऐसे कुछ बहुत सारे नाम सुने होंगे आपने कल्लू का पुरवा हेमलेट ऑफ हाउसेज इन विलेज गांव के घरों का समूह जो होता है वो है हैमलेट कहलाता है और इसको आप हल्के में मत लेना इसको आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में लीजिएगा और जो शहर के घर होते हैं जो शहर के घर होते हैं हाउसेस का फिर से देखिए आपको एक बार दिया जा रहा है हाउसेस एक बार फिर आपको दिया जा रहा है लेकिन ये कहाँ के हैं ये इन ए सिटी यानी शहर के हैं और शहर के जो घर होते हैं शहर के घरों का जो समूह होता है वो ब्लॉक कहलाता है क्या कहलाता है ब्लॉक ऑफ हाउसेस कहलाएगा ब्लॉक ऑफ हाउसेस यानी कि शहर के घरों का समूह ए ब्लॉक बी ब्लॉक सी ब्लॉक सुना होगा ठीक है और अब स्टोन्स का देख लीजिए स्टोन माने पत्थर होता है और सैंड तो गिनी नहीं जा सकती और मैंने कई बार कहा है नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज ऑलवेज सिंगलर जो नाउन गिनती नहीं की जा सकती मेरे साथ सिंगलर होता है इसलिए तो सैंड स नहीं करोगे यहाँ सैंड ही होगा और स्टोन पत्थर तो गिन सकते हो ठीक है दो पत्थर इन्होंने मारे एक पत्थर उनको मारा गया तीन पत्थर मेरे आकर कर लिए, लग गए तो पत्थर गिने जा सकते हैं तो स्टोन इनका जो है कलेक्शन क्या होता है इनका कलेक्शन होता है हीप हिप ऑफ स्टोन sand, हिप ऑफ स्टोन कुछ भी बोल लीजिए अगला देखिएगा ड्राई प्लांट्स ड्राई प्लांट्स मतलब सूखे हुए plants. सूखे हुए जो प्लांट्स होते हैं जो जिनकी पत्तियां टहनिया डंठल तना सूख गया हो इनका जो झुंड बनाओगे वो हार्बेरियम कहलाएगा क्या कहलाएगा हारबेरियम कहलाएगा चलो मैं आपको हारबेरियम दिखा देता हूँ ये देखिए सब हार्बेरियम है आप लोगों ने इसकी हार्बेरियम फाइल भी बनाई होगी है ना हार्बेरियम फाइल भी बनाई होगी पत्तों को गद्दे के नीचे रख के सुखा दिया उसके बाद सेलोटेट से चिपका दिया है ना? ये देखिए हार्बेरियम लिखा भी हुआ देखिए मेक योर ओन हार्बेरियम तो हार्बेरियम मतलब होता है सूखे पेड़ पौधे और सूखे पेड़ पौधों को जो है हम कलेक्ट करके उनकी पत्तियों को टहनियों को कलेक्ट करके क्या करते हैं उनको कलेक्ट करके एक जगह पे रखते हैं तो वो हार्बेरियम फाइल कहलाती है क्या कहलाती है हार्बेरियम फाइल कहलाती है ठीक है बनाई है कि नहीं बनाई लाइफ में कभी हार्बेरियम फाइल बनाई है कि नहीं बनाई अगला आ जाइएगा ड्राई प्लांट्स ठीक है नेशन माने होता है राष्ट्र क्या होता है राष्ट्र और राष्ट्र का समूह क्या कहलाता है राष्ट्र का जो समूह होता है वो लीग कहलाता है लीग ऑफ नेशंस हाँ लीग ऑफ नेशंस पत्ती और डंठल बनाई है हा? लीग ऑफ नेशंस अगला देखिएगा किताबों का समूह क्या कहलाता है किताबों का समूह के दो है यार। किताबों के समूह के दो अर्थ हैं एक तो आपको वर्ड मिल सकता है लाइब्रेरी वैसे ये देंगे नहीं बहुत कम चांसेस है कि आपको लाइब्रेरी दें क्योंकि एक वेल नोन वर्ड है आदमी आंसर भाप जाता है कि भाई किताबें लाइब्रेरी में रखी रहती हैं ढेर सारी किताबें होती हैं आई थिंक लाइब्रेरी लेकिन आप दिमाग पर हटा दो कि लाइब्रेरी आपको देगा वहां पे ऑप्शन थोड़ा हट के देगा और थोड़ा हट के जब लेना है तो आपको तो याद रखिए पाइल पाइल लेकिन इसमें एस मत जोड़ देना पी आई एल ई करना इसमें आगे एस मत जोड़ना ये मत कर देना इसको मत लगा देना पाइल्स मत कर देना वरना कुछ बहुत खतरनाक बन जाएगा ठीक है अर्थ ही बहुत खतरनाक हो जाएगा असहनीय हो जाएगा अर्थ पाइल ऑफ बुक्स या लाइब्रेरी ऑफ बुक्स हो गया अगला आइएगा नेक्स्ट वर्ड है मशीन गन क्या बोला मैंने मशीन गन तो मशीन गन्स का कलेक्शन क्या होता है मशीन गन का कलेक्शन क्या होता है मशीन गन का कलेक्शन क्या होता है मशीन गन्स जो होती हैं इनके कलेक्शन को नेस्ट ऑफ मशीन गन्स बोलेंगे नेस्ट ऑफ हाँ अन अरेंज बुक का ग्रुप होता है लेकिन ग्रुप तो है ना एक उधर पड़ी उधर पड़ी उधर पड़ी ढेर सारी किताबें ला करके हमने ऐसे लुढ़का दी तो वो पाइल है ठीक है अरेंज हो ना अरेंज नहीं है वो ऐसे ही पड़ी हुई है उनको कहेंगे और लाइब्रेरी में थोड़ा व्यवस्थित ढंग से मिलेंगी एक सिस्टमैटिक ढंग से लगी हुई बिल्कुल सही कहा आपने आई एग्री विद यू मशीन गन का समूह नेस्ट होगा और नॉर्मल गन अगर है नॉर्मल गन अगर है तो बैटरी ऑफ गन्स पकड़ी गई पुलिस ने छापा मारा वहां बैटरी ऑफ गन्स मिली तो बैटरी ऑफ गन्स मिली मतलब हथियारों का जखीरा मिला यानी बंदूकों का जखीरा मिला ठीक है अगला देख लीजिएगा पर्ल पर्ल माने क्या होता है पर्ल माने होती मोती पर्ल माने क्या होता है मोती और बीड्स माने हुए मोती के दाने माला के जो दाने होते प्लास्टिक के भी हो सकते हैं तुलसी के भी हो सकते हैं चंदन के भी हो सकते हैं चलो मैं आपको बीड्स दिखा देता हूँ पहले पर्ल देखो ये देख रहे हैं आप ये मोती है ये क्या है ये मोती है देख रहे हैं आप अंगूठियों में लोग मोती का प्रयोग करते हैं ना ये देखिए इतनी सारी हैं ठीक है थीके? मोती और बीड की बात करें बीड माने होता है कोई भी वैसे ही मोती होती है लेकिन वो मोती रियल मोती नहीं होती है माला के दाने ये देखिए ये देखिए कितनी सारी बीट्स हैं इन सबको पिरो लीजिए ये देखिए कितनी तरीके की बीट्स हैं ये देखिए क्रिस्टल वाली बीट्स हैं इनको क्या बोलते हैं बीट्स क्या बोलते हैं बीट्स बोलते हैं महिलाएं लड़कियां ज्यादा जानती होंगी उनको पता होगा क्योंकि वो अपने कपड़ों में दुपट्टे में सब लगवाती रहती हैं ये झालर लगा दीजिए अंकल जी वो झालर लगा दीजिए अंकल जी है ना तो उनको पता होगा बीट्स के बारे में हम लोग तो मुंह धोए चल पड़े है ना भाई सही है ना ये बीट्स ये देखिए बीट्स हैं कई बीट्स मिला करके रुद्राक्ष की बीट्स ये देखिए ये रुद्राक्ष की बीट्स हैं कई बीट्स मिला दिया तो माला बन गई ठीक है कई बीट्स मिला दिया तो माला बन गई और इनके समूह को क्या बोलते हैं स्ट्रिंग बोल लो या रोप बोल लो तो बीट्स मतलब होता है माला के दाने और पर्ल माने मोती पर्ल माने मोती और बीट्स माने माला के दाने ठीक है हाँ हैंड बैंड अगला इ, इवेंट माने क्या होता है इवेंट माने होता है, है घटनाएं इवेंट माने तो बहुत सारे इवेंट्स है तो पूरी सीरीज बन गई सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या बन जाएगा सीरीज ऑफ इवेंट सीरीज ऑफ इवेंट्स के बाद जल्दी से खत्म करना है ताकि कल के लिए ना कुछ खास रह जाए टूल्स टूल्स क्या होते हैं औजार टूल्स क्या होते हैं औजार औजारों का जो समूह होता है आप उनका पूरा एक सेट रखते हो ना चार नंबर रेंच लाओ पांच नंबर लाओ आठ नंबर बारह नंबर पूरा सेट होता है। हैमर लाओ ये लाओ वो लाओ तो सेट होता है सेट ऑफ टूल्स अगला देखिएगा कॉर्न कॉर्न माने क्या होता है मकाई कॉर्न माने क्या होता है मकाई क्या होता है मकाई मक्का खाए मक्का अरे भुट्टा ये देखो ये ये नहीं खाया मक्का मदीना वाला मक्का नहीं कहा भाई वहाँ कहाँ पहुंच गए उसको कहाँ खाने पीने वाला मक्का मकाई वाला मक्का शबरीन मक्का गई हो कि नहीं गई हो मक्का घुमाई कि नहीं घुमाई ये देखिए ये कॉर्न है और इनका जो समूह होती है कॉर्न के दाने देख लीजिए ये निकाले गए तो कॉर्न का जो समूह होता है हाँ भुट्टा शेफ कहलाएगा शेफ ऑफ कॉर्न भुट्टा कह लो मकाई कह लो शेफ ऑफ कॉर्न बस चार और बचे हैं, चार और बचे हैं, रेन देखिएगा अभी नहीं गई चलिए आपकी इच्छा जरूर पूरी हो मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि शबरीन जी जो है मक्का और मदीना का दर्शन जरूर करें रेन रेन माने बारिश बारिश की बूंदें गिर नहीं गिन गिन नहीं सकते इसलिए रेन्स नहीं करना क्योंकि जिसकी गिनती नहीं होती हमेशा सिंगलर होता है और एरो एरो माने तीर तो तीरों का या रेन का जो ग्रुप होता है वो शावर कहलाता है आपको दिखाऊं शावर ऑफ रेन देखो शावर ऑफ रेन देखो शावर ऑफ रेन रेन का नहीं रेन का क्या देखोगे रेन तो देखे ही हो ये देखो तीरों की बौछार ये देखिए देखा होगा राजा जब युद्ध पे जाता है या रामायण वगैरह में देखा होगा है ना सीरियल जो आता है महाभारत में देखा होगा ये ये देखिए आपका जो है तीरों की बौछारें हो रही ये देखिए शावर बरस रहा है तीरों की बौछार साए 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 ये तीरों की बौछार क्लियर हो गया क्लियर हो गया अरे उसमें देखा होगा कटप्पा वाली मूवी कौन सी है हाँ एरोज यानी तीर और रेन माने बारिश इन दोनों का समूह होता है शावर अगला वर्ड है रूम्स रूम माने होता है कमरे कमरों का हाँ बाहुबली यस 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 बाहुबली बाहुबली स्वीट ऑफ रूम्स क्या बोलते हैं कमरों का समूह क्या होता है स्वीट आप कई लोग जो है ज्यादा संख्या में घूमने टहलने निकले तो वहां पे होटल लेना था तो सिंगल रूम ना बुक करके उन्होंने क्या कहा भाई हम लोग करीब जो है आठ दस लोग हैं ऐसा करो मेरे दो स्वीट बुक कर दो दो स्वीट का मतलब आपका अलग पोर्शन है अंदर जाकर के दो अलग अलग कमरे हैं आगे जो है बैठने के लिए भी है एक सोफा भी पड़ा हुआ है वो पूरा स्वीट आपने बुक कर लिया तो कमरों का समूह स्विट ऑफ रूम्स और सेकेंड वन इज वैगन वैगन माने क्या होता है वैगन माने होता है रेल के डब्बे क्या होता है वैगन माने रेल के डब्बे रेल के कोच ये वैगनार आर कहा से आ गया ये देखो ये हैं ये हैं वैगन क्या है ये हैं वैगन देख रहे हैं आप वैगन ये हैं वैगन ये देखिए कितने सारे वैगन है एक ये वैगन एक ये पीछे भी ये देखिए ये डब्बे हैं ना इनको वैगन बोलते हैं ये देखिए ये वैगन है वैगन है क्या है ये देखिए वैगन है ठीक है ये देखो कितनी सारी जो है वैगन लगी हुई ये निकल गई ठीक है वैगन और इसको अगर जोड़ दो तो पूरी क्या बन जाती है ट्रेन क्या बन जाती है ट्रेन बन जाती है तो ट्रेन बन जाएगा ट्रेन ऑफ वैगन ट्रेन ऑफ वैगन ठीक है बोगी कह लीजिए और ग्रास माने हरी घास और हे माने सूखी घास सूखी घास वाले का समूह क्या होता है बंडल और हरी घास का समूह क्या होता है टफ्ट क्या होता है टफ्ट हरी है तो चलो हरे से कर ले टफ ग्रास क्या टफ टफ ग्रास <Seni> ये देखिए ये आप देख रहे हो टफ ग्रास ये देख रहे हो आप टफ टॉप ग्रास हरी घास का समय हरी घास का समूह ये टॉप ग्रास तो ये देखिए आपके हो गए टप टॉप ग्रास यानी हरी घास का समूह तो भाइयों और बहनों ये था हमारा कलेक्टिव नाउन जिसे आप देख रहे थे दो दिन से एक कल आपने शुरू किया और आज इसे खत्म कर लिया तो उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छा सा आपको समझ में आया होगा इसको मैनुअल बोकबुलरी के नोटबुक में बनाइएगा हमारे अगले क्वेश्चन के जवाब देने के लिए आप तैयार हो जाइएगा तो आइए शुरू करते हैं कुछ छोटी मोटी हल्की सी क्विज आर यू रेडी फॉर द क्विज जल्दी बताएं तीनों पार्ट हो गए हैं ए बी सी करके तीनों पार्ट हो गए हैं ए बी सी करके चलो भाई कुछ कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं चलो भाई सॉल्व दीज योर अपने आप इनको सही करो चलो जल्दी से बताओ बढ़िया बढ़िया सा बताओ अच्छा अच्छा सा बताओ ए कलेक्शन ऑफ डक्स इज कॉल्ड देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे पहले का बताएं सही जवाब सबसे पहले आया अमन त्रिपाठी का तो अमन त्रिपाठी को बाबा बोल दो कौन आया था कोई तो बात कर तो सही जवाब आया पैडलिंग 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 बिल्कुल सही जवाब है पैडलिंग इज योर राइट आंसर सही जवाब आपका आता है पैडलिंग चलो भाई पैडलिंग को देखा जाए ये हमारा पैडलिंग इज़ राइट आंसर यही आपको करना है चलो दूसरे क्वेश्चन में एरर बताओ टीम ऑफ बीन अरेस्टेड विल हैव टू करेक्ट दिस सेंटेंस फुल्ली पूरी तरह से आपको जो है इसको करेक्ट करना जल्दी बताएं कलेक्टिव रेफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिएगा टीम ऑफ थीम्स हैव बीन अरेस्टेड टुडे क्या होगा जल्दी से बताओ भाई जल्दी से बताओ अरे यहाँ टीम नहीं होगा भाई टीम की जगह पर यहाँ टीम टीम जो लिखे हुए हैं हम लोग यहां टीम नहीं होगा क्या होगा गैंग होगा क्या होगा गैंग और क्या कहा था कलेक्टिव नाउन सिंगलर होता है तो वर्ब सिंगलर ना जब तक डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट ना आ जाए हेल्प करो ठीक है हैज करो बड़ी देर बाद आंचल जवाब आया बहुत देर बाद जवाब आया आपका अगला देखिएगा इसमें क्या गड़बड़ी है तीसरे वाले चलो पहला कंप्लीट कर लिया आपने पहला हो गया दूसरा हो गया तीसरा क्वेश्चन देखो तीसरा क्वेश्चन देखो या मैं आपको दूंगा आप इनको सॉल्व करिएगा आपको बता दिया है ठीक है इनको आप सॉल्व करिएगा टाइम काफी ज्यादा हो गया है है ना? तो ये सब क्वेश्चन के पैटर्न मैंने दिखा दिए हैं इनको सॉल्व करिएगा तो ये था हमारा कलेक्टिव रेफरेंसेस। कल से हम लोग अगले नए चैप्टर को लेकर के आएंगे कौन सा चैप्टर होगा उस नए चैप्टर को हम कल ही आपको दिखाएंगे हमारे ऐप को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई लविंग स्टूडेंट्स आप इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कराएं गूगल प्ले स्टोर पर जैसा कि आप देख रहे हो वहाँ पे आपको मिल रहा है ठीक है गूगल पर टाइप करें अमृतसर की इंग्लिश क्लास और वहाँ पर आप अपनी रेटिंग हमें दे सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप मेरे को फाइव स्टार रेटिंग देंगे ठीक है तो आपकी रेटिंग का मुझे इंतज़ार रहेगा आप जो है फ़ाइव स्टार रेटिंग के लिए अभिलाषी हूं और गूगल पे टाइप करेंगे और जो आप रेटिंग प्ले स्टोर पे भी दे सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे भी ऐप की रेटिंग आप दे सकते हैं अपने व्यूज लिख सकते हैं एक बार फिर से अपील ये देखिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक बार फिर से आप सबसे अपील कि जो लोग कंटिन्यू क्लास करना चाहते हैं प्लीज हरी अप गेट योर सीट रजिस्टर्ड अपनी सीट को आप रजिस्टर करा लें ठीक है कल फिर मुलाकात होती है सेम टाइम सेम चैनल तब तक के लिए नमस्कार रात्रि ओके सर थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट सर हैव अ स्वीट ड्रीम सर सेम ईयर सेम ईयर सेम टू यू सेम टू यू ठीक है कल मिलते हैं गुड बाय गुड नाइट स्वीट ड्रीम आपको जो स्टडी मटेरियल स्टडी इस नोट्स इसी में मिल गया ना अलग से मेरे को डालने की जरूरत नहीं ना उसमें ओके okay, बाय बाय